नमस्कार दोस्तों, बाबा जी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, टीम बाबा जी होम्स की ओर से नए साल के आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए, आने वाले वक्त में सबका अपना घर बने, यही कामना रहेगी टीम बाबा जी होम्स की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो घर दिखाने लगा हूँ, ये सनी क्लेव सेक्टर 123 की लोकेशन पे है। 150 के एरिया का है, 27 फुट बाई 50 फुट की डायमेंशन में है। गमाडा से ये एरिया अप्रूव्ड होता है और इस मेरे पीछे आपको आज के हमारे घर की फ्रंट एलिवेशन नज़र आ जाएगी। बहुत ही प्यारे अच्छे पैटर्न में डिज़ाइन में इसकी एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। और इस घर में ख़ास तौर पे आपको पार्किंग की समस्या ना हो तो इसमें आप देख पाएंगे कि घर के आगे की तरफ आपको काफ़ी हैवी आयरन के 3 अलग अलग गेट्स नज़र आ जाएंगे। तीनों ही गेट स्लाइडिंग वाले गेट हैं, तो आप देख पाएंगे कि तीनों ही गेट स्लाइडिंग रहेंगे और घर के अंदर आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग अच्छी खासी मिलेगी। तो पार्किंग की आपको कभी भी प्रॉब्लम इस घर में नहीं मिलेगी और काफ़ी अच्छा लॉक सिस्टम भी आपको हमारे इन स्लाइडिंग गेट्स में मिलेगा। आप देख पाएंगे कितना बड़ा पार्किंग का एरिया हमें मिल रहा है। घर के अंदर 3 गाड़ियों की गेटेड पार्किंग आपको मिलेगी। और नज़दीक से एक बार फिर से एलिवेशन को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी प्यारा कलर कम्बिनेशन है और एक अच्छा डिज़ाइन मॉडर्न एलिवेशन फ्रंट की रहेगी। दोस्तों, इस तरफ 2 टैप्स आपको लगा कर दिए जाएंगे ताकि पानी आप फ्रंट एरिया में यूज़ कर सकें। इसके पीछे की तरफ टाइल वर्क कर दिया गया है ताकि पानी की वजह से दीवार का ये हिस्सा गंदा ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, इस तरफ से हमें एंट्रेंस मिलेगी हमारे घर में, घर के अंदर जाने के लिए। और डबल स्टेप में हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से हमारे घर की शुरुआत होगी। और सबसे पहले हमें मिलेगा एक वायर मैश जाली वाला डोर, एक अच्छे डिज़ाइन में आप देख पाएंगे फ्रेम वाले डोर्स हैं। और डबल जाली रहेगी दोस्तों, आयरन की जाली और अल्मीनियम की जाली, डबल जाली हमें दी जा रही है इस घर में। और ये रहेगा हमारा मेन एंट्रेंस डोर। मेन एंट्रेंस डोर भी आप देख पाएंगे फ्रेम वाले डोर्स हैं और काफ़ी वाइड डोर हमें मिलेगा। ऊपर की तरफ दोस्तों एक रोशनदान मिलेगा ताकि सनलाइट आपके घर के अंदर अच्छे से एंटर हो सके। और घर के अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले आपको ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिलेगा, लगभग 12 फीट बाय 17.5 फीट के साइज का, बहुत अच्छा एलईडी लाइट के साथ हमें फॉल सीलिंग में डिजाइन मिलेगा। फ्लोरिंग हमें मिलेगी मार्बल की। और दोस्तों, इस तरफ आपको विंडो भी नज़र आ जाएगी, बड़े से साइज की फिक्स वाली और ओपन करने वाली दोनों तरह की विंडोज़ हैं, जिसके ऊपर स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी किया गया है। और आप देख पा रहे हैं कि घर के अंदर काफ़ी अच्छी खासी रोशनी भी है, तो सनलाइट और एयर की क्रॉसिंग आपके इस घर में अच्छे से बनी रहेगी। दोस्तों, घर में आगे और पीछे की तरफ CCTV कैमरा आप लगा पाएँ उसके लिए पहले से ही वायरिंग और प्रोविजन कर दी गई है, जो कि आपको नज़र आ जाएगी। दोस्तों, इस तरफ हमें मिलेगी हमारे इस घर की बड़ी सी किचन, जिसका साइज है लगभग 9.5 फीट बाय 9.5 फीट। और इस घर में दोस्तों हमने कपबोर्ड को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन उनका जो कॉस्टिंग होती है एक अंदाजन, वो हमने इस घर में के बजट में से लेस कर दी है। दोस्तों, इस तरफ आप देख पाएंगे हमें काफ़ी स्पेशियस किचन मिल रही है। कॉन्क्रीट की स्लैब के साथ हमें ऊपर की तरफ किचन टॉप पे हमें मिलेगा जेट ब्लैक कलर का ग्लोसी ग्रेनाइट। दोस्तों, डबल सिंक बाउल रहेंगे हमारे, जिसमें ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाकर दी जाएगी जगवार कंपनी की। इसमें इस तरफ आपको RO का प्रोविजन भी नज़र आ जाएगा, ऊपर की तरफ गीजर का प्रोविजन भी नज़र आ जाएगा। और इस तरफ आपको विंडोज नज़र आ जाएंगी फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन नज़र आ जाएगा। दोस्तों, आप देख पाएंगे कि जगवार कंपनी की सैनिटरी की फिटिंग परचेज कर ली है, तो जब तक आप रहने के लिए आएंगे इस फिटिंग को लगाकर ये घर पूरी तरह से तैयार करके आपको दिया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स मिल रहे हैं और हमारे सामने 2 दरवाजे भी नज़र आ रहे हैं। अगेन आप देख पा रहे हैं फ्रेम वाले डोर्स हैं, काफ़ी चौड़े दरवाजे भी हैं ताकि घर के अंदर अगर आप सामान लेकर आएँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, बेडरूम में आप देख पाएंगे एक अच्छा डिज़ाइन आपको फॉल सीलिंग में मिलेगा, एक बड़ा ही बेहतरीन कलर कम्बिनेशन भी हमें बेडरूम में देखने के लिए मिलेगा और एक अच्छा डिज़ाइन फॉल सीलिंग में मिलेगा, जो कि छत से कंटिन्यू होता हुआ दीवार तक भी आ रहा है। एक अच्छी LED लाइट के साथ डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, लगभग 12 फीट बाय
13.5 फीट के साइज का बेडरूम हमें मिलेगा। इस बेडरूम में इस तरफ आप देख पाएंगे कि विंडोज हमें मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। दरवाजा मिल रहा है रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। स्प्लिट एसी का प्रोविजन भी आपको मिल रहा है। आप इन विंडोज में विंडो एसी भी लगा पाएंगे। तो दोनों तरह की प्रोविजन आपको इस बेडरूम में मिलेगी। और इस तरफ हमें मिलेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। दोस्तों लगभग 6 फीट बाय 9.5 फीट के साइज का हमें बाथरूम मिलेगा, जिसमें ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग मॉडर्न डिजाइन की लगाकर दी जाएगी। आप देख पाएंगे इस तरफ डाइवर्टर लगाया जाएगा और इस तरफ हमें वॉल हैंगिंग टॉयलेट स्वीट मिलेगी। और इस बाथरूम में वेंटिलेशन अच्छे से हो सके उसके लिए विंडोज हमें फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली दोनों तरह की मिलती हैं। दोस्तों इस बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए दरवाजा मिलेगा। रियर वॉशिंग एरिया हमारा लगभग 9.5 फीट बाय 13 फीट के साइज का है। काफी स्पेशियस है, काफी बड़ा सा रियर वॉशिंग एरिया है। इसमें आप देख पाएंगे कि इस तरफ दो टैप लगाकर दिए जाएंगे, जिसमें पीछे की तरफ टाइल वर्क कर दिया है ताकि पानी की वजह से ये हिस्सा दीवार का गंदा ना हो। पावर वॉन्ट इस तरफ रहेगा और बहुत अच्छा वेंटिलेशन के लिए हमें स्पेस मिल रहा है। आप देख पाएंगे कितना ओपन एरिया में मिल रहा है। और देख पाएंगे दोस्तों आप सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रोविजन भी किया गया है और प्लेट एसी लगाने का प्रोविजन भी किया गया है। और दोनों बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में एक्सेस मिल रहा है। और दोनों तरफ आप देख पाएंगे कि हमें जाली वाले डोर मिल रहे हैं, डबल जाली इसमें हमें मिल रही है और एक अच्छा डिज़ाइन हमें जाली वाले डोर में भी मिल रहा है। और दोनों बेडरूम्स में हमें बड़ी बड़ी विंडोज मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। और दूसरे बेडरूम में जाने के लिए हमें इस तरफ से मिलेगा दरवाज़ा। अगेन आप देख पाएंगे फ्रेम वाले डोर में हमें दरवाज़ा मिल रहा है, काफ़ी वाइड हमें दरवाज़ा मिल रहा है और लगभग 12 फीट बाय 13.5 फीट के साइज़ का हमें ये दूसरा बेडरूम मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे। अगेन दोस्तों आप देख पाएंगे एक अच्छा डिज़ाइन हमें फॉल्सरी में मिल रहा है, एक अच्छा कलर कम्बिनेशन LED लाइट्स के साथ हमें मिल रहा है। और इस तरफ वो विंडोज जिसको हमने बाहर से देखा था। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम हमारा इस तरफ रहेगा अटैच। दोस्तों लगभग 6 फीट बाय 9.5 फीट के साइज का हमें बाथरूम मिलेगा। काफ़ी स्पेशियस बाथरूम भी हमें मिल रहा है और आप देख पाएंगे कि बिल्कुल ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड कर मिलेगी हमें। वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट और डाइवर्टर मिलेगा। वॉश बेसिन हमारा विंडोज हमें इस तरफ मिलेगी, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली। वॉश बेसिन हमें इस तरफ लगा कर दिया जाएगा। दोस्तों ग्लोसी टाइल्स रहेंगी हमारी डोर लेवल के हाइट तक वॉल्स पे। एंटी स्किड टाइल्स रहेंगी हमारी फ्लोरिंग में। तो दोस्तों ये थी हमारे इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे। और पहली मंजिल पे जाने के लिए हमें सीढ़ियाँ जो हैं वो इस तरफ से मिलेंगी। आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पे सीढ़ियाँ मिल रही हैं। हमारे यहाँ पे मार्बल के स्टेप्स हैं और स्टील की रेलिंग है। चलते हैं दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों स्टेनलेस स्टील की रेलिंग आपको सीढ़ियों पे दोनों तरफ मिल जाएगी। और आगे की तरफ आपको बालकनी मिल जाएगी, एक अच्छा सिटिंग एरिया भी आपको मिल जाएगा। आयरन की रेलिंग रहेगी हमारी फ्रंट पे, जिसके नीचे प्लेटफॉर्म पे आपको ग्रेनाइट भी मिल जाएगा। और एक अच्छी लुक और एक अच्छा डिज़ाइन देने के लिए इस तरफ आपको स्टोन वाली टाइल्स दी जा रही हैं इस घर में। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ से भी आप देख पाएंगे कि सनलाइट और ज़्यादा आए हमारे इस एरिया में, तो उसका भी प्रोविज़न अच्छे से किया गया है। और यहाँ से हमारे फर्स्ट फ्लोर में घर की एंट्रेंस होगी और अगेन हमें एक अच्छे डिज़ाइन में वायर मैश जाली वाला डोर मिलेगा। और अगेन फ्रेम वाला हमें काफ़ी वाइड काफ़ी चौड़ा दरवाज़ा मिलेगा मेन एंट्रेंस वाला। इसमें भी दोस्तों ऊपर की तरफ रोशनदान आपको मिल रहा है ताकि सनलाइट घर के अंदर अच्छे से आती रहे। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक बड़ा सा कमरा मिल रहा है लगभग 12 फीट बाय 17.5 फीट के साइज का। इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों अगेन फॉल्सलिंग में एक अच्छे डिज़ाइन में हमें LED लाइट वर्क मिलेगा। और अगेन आप देख पाएंगे कि इसमें भी आपको स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन मिलेगा और एक अच्छा डिज़ाइन मिलेगा। और इस
बड़े रूम के साथ एक बाथरूम आपको इस तरफ अटैच मिलेगा, लगभग 6 फीट बाई 6 फीट के साइज का। ग्लोसी टाइल्स देंगे दोस्तों हमारी इस बाथरूम में फ्लोर वॉल्स पे, एंटीस की टाइल्स देंगे हमारी फ्लोरिंग में, और प्रॉपरली इस बाथरूम में भी मॉडर्न डिजाइन की सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड करके दी जाएगी। और इस तरफ हमें विंडोज नजर आ जाएंगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। अगेन दोस्तों इस तरफ आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी विंडोज हमें दी जा रही है, एक्स्ट्रा विंडोज हैं ताकि सनलाइट और एयर दोनों की क्रॉसिंग आपके इस घर में अच्छे से होती रहे। और इस तरफ आप देख पाएंगे कि ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही हमें बड़े से साइज़ की किचन मिल रही है, लगभग 9.5 फीट बाई 9.5 फीट के साइज़ की। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे फ्लोरिंग में हमें डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स मिल रही हैं, अच्छी शाइनिंग वाली 2 फुट बाई 2 फुट के साइज़ की। और एक बड़ा सा टेरेस एरिया आपको पहली मंजिल में मिलेगा, इसकी भी फ्लोरिंग में एक अच्छा टाइल वर्क हमें दिया जा रहा है, और एक बड़ा सा टेरेस एरिया आपको मिल रहा है। डिश लगाने की प्रोविजन जो है वो भी आपको नजर आ जाएंगी, वायरिंग पहले से कर दी है, और इस तरफ आपको एक टैप लगाकर दिया जाएगा ताकि आप इस एरिया में वॉशिंग मशीन आसानी से इस्तेमाल कर सकें, पावर पॉइंट हमारा उस तरफ रहेगा। और यहाँ से हमें आयरन की स्टेयर्स मिलेंगी छत पे जाने के लिए, दोस्तों हम भी चलते हैं छत पे। दोस्तों लगभग 1.5 मंजिल बना हुआ हमारा घर है, तो इस तरफ हमें काफ़ी बड़ी सी छत मिल देगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं खास तौर पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको सामने घर नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे की तरफ जो जगह छोड़ी गई है वहाँ पे 3.25 एकड़ का पार्क बनेगा आने वाले वक्त में। तो दोस्तों लगभग 1.5 मंजिल बना हुआ हमारा घर है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस एरिया में और कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं, टोटल 3 मंजिलों तक हम इस एरिया में इस घर में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा घर, काफ़ी इकोनॉमिकल बजट वाला, 150 स्क्वायर यार्ड का, सनी क्लेव सेक्टर 123 की लोकेशन पे है, गमाडा वाला एरिया है, यहाँ पे हर तरह की अप्रूवल जो है वो गमाडा की ओर से आती है। दोस्तों उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आए होंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो औरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, धन्यवाद।